हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। आज क्लास फोर्थ की जनरल नॉलेज की पहली क्लास है। हमारा यूनिट वन का नाम है अराउंड अस, जिसका पहला चैप्टर का नाम है कॉमन प्लेसेस। तो आज हम कॉमन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर सम प्लेसेस इन अवर नेबरहुड वेयर अ पार्टिकुलर वर्क इज डन। हमारे आसपास कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर एक निश्चित कार्य किया जाता है। दे आर कॉल्ड बाई स्पेशल नेम्स, उन्हें हम स्पेशल नेम्स से बुलाते हैं। राइट देयर नेम्स, हमें उनका नाम लिखना है। तो चलिए अपना चैप्टर, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस वेयर वी कैन गेट बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड समटाइम्स फिल्म्स एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स टू इन्हांस अवर नॉलेज। एक जगह जहाँ पर हमें पुस्तकें मिल सकें, पत्रिकाएं मिल सकें और कई बार फिल्म्स और रिकॉर्डेड म्यूजिक, एक रिकॉर्डेड म्यूजिक मिल सके, वेरियस सब्जेक्ट्स अलग अलग विषयों पर, टू एनहेंस अवर नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे जहाँ पर हमें बुक्स मिले, पत्रिकाएं मिले, रिकॉर्डेड म्यूजिक मिले, किसी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर रिकॉर्डेड म्यूजिक मिले जिससे हमारा ज्ञान बढ़ सके। तो बच्चों, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? ऐसी जगह को हम लाइब्रेरी कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइब्रेरी। तो चलिए लिख देती हूँ मैं, लाइब्रेरी। Then coming to question number 2, a place where we find a collection of conserved artifacts and other objects of artistic, cultural, historical and scientific importance. एक जगह जहाँ पर हम एक जहाँ पर पाते हैं हम एक कलेक्शन कंजर्व्ड आर्टिफैक्ट्स पर रखे हुए कलाकृतियों का, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स और अलग अलग तरह की और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक, जो कि कलात्मक हो, कल्चरल सांस्कृतिक हो, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक हो, एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस और वैज्ञानिक महत्व की हो। तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे बच्चों? जहाँ पर हमें कलाकृतियाँ मिले, कलात्मक चीज़ों से रिलेटेड, सांस्कृतिक चीज़ों से रिलेटेड, ऐतिहासिक हो, वैज्ञानिक महत्व की हो, ऐसी सामान मिले, उस जगह को हम क्या कहेंगे? म्यूजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? म्यूजियम। Then coming to question number 3, एक place where plants are grown for sale, transplanting और experimentation. एक जगह जहाँ पर plants grow किए जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं for sale, बेचने के लिए, transplanting रोपाई के लिए और एक्सपेरिमेंटेशन और प्रयोग या प्रयोग के लिए। तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे बच्चों? जहाँ पर हमें ढेर सारे पौधे मिले जो बेचने के लिए हो, रोपाई के लिए हो या प्रयोग के लिए हो, ऐसी जगह को हम कहेंगे नर्सरी। क्या कहेंगे? नर्सरी। लिख देती हूँ मैं नर्सरी। Then coming to question number 4, a place equipped for scientific experimentation or research in controlled condition. एक जगह जिसे यूज किया जाता हो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि वैज्ञानिक प्रयोगों, और रिसर्च इन कंट्रोल कंडीशन, और रिसर्च करने के लिए इन कंट्रोल कंडीशन, मतलब कि नियंत्रण की स्थिति में रिसर्च करने के लिए यूज किया जाता हो, उस जगह को हम क्या कहेंगे बच्चों? उस जगह को हम कहेंगे लेबोरेटरी। लिख देती हूँ मैं लेबोरेटरी। Then coming to question number 5, a place that provides treatment to different patients with specialized medical and nursing staff through various medical equipments. एक जगह जहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट्स को ट्रीटमेंट विद स्पेशलाइज्ड मेडिकल्स, विशेष चिकित्सा के द्वारा, नर्सिंग स्टाफ के द्वारा, थ्रू वेरियस मेडिकल इक्विपमेंट, ढेर सारे चिकित्सक उपकरणों के द्वारा, जहाँ पर लोगों को ठीक किया जाता हो, उनका ट्रीटमेंट किया जाता हो, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे बच्चों? हॉस्पिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉस्पिटल। लिख देती हूँ मैं हॉस्पिटल। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लेस वेयर वी कैन कीप अवर मनी एंड अदर वैल्यूएबल सेफ। एक जगह जहाँ पर हम अपने मनी, मतलब अपने पैसे, और अदर वैल्यूएबल्स और अन्य वैल्यूएबल चीजों को सेफ रख सकते हैं, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे बच्चों? हम इसे कहेंगे बैंक। क्या कहेंगे? बैंक। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बैंक।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, अ प्ले इज डिजाइंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेज ओपेराज एक्सेट्रा यूजुअली इट हैज अ लार्ज रूम और हॉल विद अ रेज्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टेज एंटायर सीट्स फॉर द ऑडियंस। एक जगह जो डिजाइन की गई हो प्लेज नाटकों के लिए ओपेरा संगीत नाटकों के लिए। यूजुअली इट हैज अ लार्ज रूम, ज्यादातर यहाँ पर एक बड़ा सा कमरा होता है, और हॉल या एक बड़ा सा हॉल होता है विद अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एक ऊंची सी जगह के साथ, कॉल्ड स्टेज जिसे हम स्टेज कहते हैं, एंड टायर सीट्स फॉर द ऑडियंस, और सीट्स होती हैं ऑडियंस मतलब देखने वालों के लिए। तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे थिएटर्स। थिएटर्स में मूवी नाटक होते हैं ना, उसी जगह को हम कहते हैं थिएटर। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नीचे दिया हुआ है फैक्ट फाइल, मैं ये पढ़ा देती हूँ आपको। अ पार्क दैट कंटेन्स वेरियस अट्रैक्शंस, एक पार्क जहाँ पर विभिन्न तरह के अट्रैक्शंस हों, सच एज राइड्स एंड गेम्स, जैसे कि राइड और खेल, एज वेल एज अदर इवेंट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, और इसके साथ ही अदर इवेंट्स जैसे डांस वगैरह फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए हो, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हो, इज कॉल्ड एन एम्यूजमेंट पार्क, उसे हम क्या कहेंगे, एम्यूजमेंट पार्क कहेंगे। इफ द स्ट्रक्चर्स एंड अट्रैक्शंस, अगर जो वहाँ की बनावट और अट्रैक्शंस जो होंगे ऑफ द पार्क, पार्क के आर बेस्ड अराउंड अ सेंटर थीम, वो किसी एक थीम पर बेस्ड होंगे, देन इट इज कॉल्ड अ थीम पार्क, तब हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे थीम पार्क। तो बच्चों आपका पहला चैप्टर पहली यूनिट का कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।